सो गाइस, जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बता दिया है, UMT का जो नया अपडेट आया है आईफोन पे, उस पर हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है और आपको बता दिया है कि इसको अपडेट को कैसे यूज करना है, क्या क्या इसमें चीज़ें दी हुई है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस पर अभी भी डाउट है, बहुत सारी चीज़ों को लोड करना है, डाउनलोड करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो मैं इस वीडियो में पूरी कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा। एक्चुअली ये पार्ट टोटल 3 पार्ट में वीडियो बनने वाली है। पहली पार्ट तो हमने बना दी है जिसमें UMT का पूरा अपडेट बता दिया है जो आईफोन पे आया है, नया लॉन्च किया है। इसके अलावा ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे उस टूल को, किस तरह से उसको यूज करना है और क्या क्या उसमें फीचर है। तो सबसे पहले ये यूज करने के लिए इसमें एक एक्टिवेशन कराना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये एक्टिवेशन कैसा रहेगा, मंथली रहेगा, ईयरली रहेगा, परमानेंटली रहेगा, सब कुछ ये टूल ही बता के रखा हुआ है। तो आप लोग को वहाँ पे JSON फॉरम पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए JSON फॉरम पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद हम इसको डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे। इसमें जितने भी फाइलें हैं इनकी, वो सब फाइलें इन्होंने दे रखी है, बस आपको स्टेप बाई स्टेप डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम अपना गूगल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे गूगल ओपन करने के बाद से सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे बैक चले जाते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी जो पहला वीडियो बनाया है, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उस पर जाएंगे, पहले देख लीजिए अपडेट में हमने कैसे कैसे क्या क्या चालू करना है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो। और UMT का ये सारा अपडेट आप यहाँ पे JSON फॉरम पे जाके कैसे देख सकते हो, सारी चीज़ें उसमें हमने कवर कर ली है। तो जाके आप वहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट आई है, जब से यहाँ पे लगातार 3-4 चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे ये वाला हमारा अपडेट है जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता दिए थे। तो ये आप नीचे आओ तो ये देखिए, ये अपडेट दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप पूरा बताया गया माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क यहाँ पे 4.7.2 मिनिमम होना चाहिए, इससे ऊपर है कोई बात नहीं। iTunes भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके लैपटॉप में पहले से ही, और इसमें सपोर्टेड है, ये सारी चीज़ हमने बता दी है। अभी मेनली आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो, ये दोबारा इसको फिर से इन्होंने दिया है। और यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज़, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, दिस मॉड्यूल बेस्ड ऑन EMMC एड ऑन एक्टिवेशन, योर कार्ड मोस्ट बी टू एक्टिवेट ऑर्डर टू मॉड्यूल टू वर्क फॉर यू। यानी कि ये बता रहा है कि आपका जो EMMC का एड ऑन पैक आता था, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना UMT अपने कंप्यूटर में लगाता हूँ, हालांकि हमारा जो UMT है ऑलरेडी ब्लॉक है। एक्चुअली आपको पता होगा कि हमारा कार्ड जो था वो ब्लॉक हो चुका था बहुत दिन पहले ही। तो कार्ड ब्लॉक होने के बाद से हमने कार्ड अभी तक नहीं मंगाया था, कार्ड हमारा काम चल जा रहा था ऐसे ही, बट अभी कार्ड मंगाना पड़ा और फाइनली हमने ऑर्डर भी कर दिया है। बहुत जल्द हमारे पास वो कार्ड हमारा UMT का हमें मिल जाएगा। तो कार्ड के लिए टेंशन नहीं है, अब 1-2 दिन में मेरे पास पहुंच जाएगा, तब तक आपको ये वीडियो बना के दे दूंगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको पहले चलता हूँ कार्ड मैनेजर पे, डाउनलोड पे चले जाना है आपको। और यहाँ आप अगर नीचे आते हैं तो ये रहा UMT एंड ये रहा हमारा कार्ड मैनेजर। तो मैं इसको ओपन कर लिया यहाँ पे, अभी आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें ऐड की गई है वो आपको दिखाने देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे गेट इन्फॉर्मेशन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चीज़ें सब पता चलने वाली है। ये देखिए, एक्चुअली ये कार्ड हमारा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो इस पर कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए, EMMC एड ऑन इज नॉट एक्टिव इन सर्वर। तो अगर आप भी अपने कार्ड को चेक करोगे तो कार्ड स्टेटस पे यहाँ पे आप डेट दिखाएंगे, कार्ड वैलिड है, कार्ड एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा और डेट वैलिड दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे EMMC पे अगर आपका एक्टिव रहेगा तो यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा, नहीं तो नॉन एक्टिव दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा अपने कार्ड के बारे में। ये देखिए, अपडेट EMMC एक्टिवेशन, यहाँ से आप चाहेंगे तो डायरेक्टली आप अपने EMMC को अपडेट करा सकते हैं, और या फिर आप परचेज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। योर कार्ड कनेक्शन रीडिंग इन्फॉर्मेशन फंक्शन, मतलब यहाँ पे हमारा कार्ड ऑलरेडी ब्लॉक्ड है तो यहाँ पे हम इसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें कोई इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये आपने देख लिया कि अपडेट वगैरह कैसे आप चेक कर सकते हैं आपका EMMC अपडेट है कि नहीं। EMMC अपडेट में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जान पाओगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख पाओगे। तो यहाँ पे इसके बाद बैक चलते हैं और आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ अभी। तो ये अपडेट इन्होंने दिया है, इसके ऊपर ठीक आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक और UMT iOS रेमडिक्स टूल हेल्प, यहाँ पे इन्होंने हेल्प किया है कि मतलब आप कैसे इसको बेसिकली यूज कर सकते हो, किस मेथड पे ये वर्क करता है। कहने का मतलब ये पूरी इंग्लिश में यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है, तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे जाके आप इसको अच्छा मतलब आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं पूरी कॉपी करके। यहाँ पे मोटा मोटी अगर बताऊँ तो इन्होंने बताया है कि आप ऊपर देखिए ध्यान से, PWNEDDFU या KDFU, यह एक DFU मोड का ही हैक वाला संस्करण है। मतलब कि आपका जो DFU मोड में फ़ोन को भेजा जाता है, इन्होंने वही उसी को हैक करके एक तरह से एक उसी का कॉपी बना के और उसके जरिए एक मतलब कोडिंग तैयार किए और इस फ़ोन को इन्होंने
अनलॉक करने की कोशिश की है, मतलब अनलॉक कर देंगे। तो कहने का मतलब है अभी इतनी डीप नॉलेज हमें भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें इतनी नॉलेज हो जाएगी तो हम UMT ही नहीं बना डालेंगे नया। कहने का मतलब है एक तरह से मैं आपको मोटा मोटी एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से इन्होंने बनाया है, मतलब एक उन्हीं का हैक वर्जन तैयार किया है, DFE मोड में जो आईफोन वगैरह जाते हैं उसी का हैक वर्जन तैयार करके उसके बेसिस पे इसको आसानी से DFE मोड से उसको भेज के, मतलब फ़ोन आपका DFE मोड में जिस तरह जाता है उसी तरह से आपका DFE मोड में जाएगा और वहां से इसको अनलॉक किया जा सकता है। तो इनका ये बेसिकली वो है बूट रोम में जाके इसको आप आसानी से पूरा पढ़ सकते हैं, आराम से कॉपी करके देख लीजिए किस तरह से काम कर रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट मैंने पूरा पढ़ा तो जो आपको मैंने बताया है बस वही चीज़ इसमें मुझे देखने को मिला, बाकी और कुछ नहीं था। इसके अलावा इसके बाद से एक और नई चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है ऊपर में, आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इसो यहाँ पे एक चीज़ है, इसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी जान लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है थैंक्स व्हाट्सएप प्राइज एक्टिवेशन दिस मॉड्यूल, यानी कि ये पूछ रहा है कि जब आपका आईफोन अनलॉक करना है तो इसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी। तो प्राइस के मामले में बहुत सारी कन्फ्यूजन रह रही है लोगों को, यहाँ नीचे में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए इट्स अ वन टाइम एक्टिवेशन नॉट ईयरली, मतलब कहने का मतलब है कि आप जिस तरह से UMT का एक्टिवेशन कराते हो जिस भी रेट में, मतलब आपने जो UMT परचेज किया उसके बाद से मंथली ईयरली आपका एक्टिवेशन होता है, एक बार परचेज करते हो तो रेट ज़्यादा लगता है, उसके बाद उसको एक्टिवेशन कराने का रेट कम होता है तो वो ईयरली एक्टिवेट होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका मंथ ईयरली एक्टिवेशन के साथ साथ आप इसमें कहा जा रहा है कि जब आपको आईफोन वाला यूज करना है तो उसमें आपको EMMC एक्टिवेशन भी कराना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, अगर उसको नहीं कराओगे तो आपका जो आईफोन है अनलॉक नहीं कर पाओगे, आप उस टूल को यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में ये पूछ मतलब कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या ये सच में मतलब ऐसा होगा कि हम एक्टिवेशन जो करा रहे हैं ईयरली ये उसी के साथ कराना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियरली यानी बता रखा है कि वन टाइम एक्टिवेशन है, मतलब कि आप जो ये EMMC एक्टिवेशन कराओगे वो एक टाइम आप करा लो, उसके बाद से हमेशा के लिए अनलॉक हो जाएगा, इसके बाद से आप नॉर्मल जो प्लान आपका चलता है ये ईयरली उसको आप कराते रहो, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद से यहाँ पे इन्होंने बताया है यूजर्स प्राइस क्या है, तो 15 USD है, यानी कि आपका US डॉलर 15 US डॉलर इसकी प्राइस इन्होंने बताई है। अब इसको आप अभी क्या रेट चल रहा है 80-81 जो भी चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रेट निकल के आ जाएगा लगभग 1000 रुपये के आसपास आना चाहिए। ये इसका एक्टिवेशन प्राइस है, एक्टिवेट EMMC मॉड्यूल इसको आप एक्टिवेट करा लीजिए आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरा इन्होंने कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दिया है UMT का कि आपको ऐसे नॉर्मली यूज करने को नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ पे और कुछ नहीं दिया गया। तो चलिए अब हम जानते हैं कैसे इसको हम डाउनलोड करना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जहाँ पे अपडेट आई है वहीं पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा sure. इस पर हम क्लिक करेंगे और पूरा नीचे चले आना है एकदम लास्ट में, यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो फाइलें मिल रही हैं, यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म और यहाँ पे अपडेट डायरेक्ट इंस्टॉलर। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो पूरी तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है, कैसे डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ें आपको एकदम वीडियो को ध्यान से देखने के बाद ही समझ में आने वाली है। तो वीडियो को आप लोग एकदम कंप्लीट देखो बिना स्किप किए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंस्टॉल करनी है, तो आप लोगों को ये चीज़ कंप्लीट समझना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारी फाइलें दी हुई हैं जिनको आपको पूरा डाउनलोड कर लेना है लाइन से, डाउनलोड करने के बाद से इंस्टॉल का प्रोसेस बताऊंगा, हालांकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो ये देख सकते हैं आप पहला नंबर पे 3U टूल है, आपका 3U टूल कैसा होता है ये देख लीजिए, ये रहा हमारा 3U टूल, पहले से हमने इंस्टॉल कर रखा है डाउनलोड कर रखा है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा आपका है आईटून और ये रहा मेरा आईटून, देखिए दो चीज़ें आपको पहले होनी ज़रूरी हैं, ये दोनों टूल आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3U टूल हमारा बोल रहा है तो हमने डाउनलोड रखा है, आईटून पहले ही बता रखा है, इसमें आईटून का डाउनलोड करने के लिए नहीं दिया है, बट आईटून आप पहले से गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दो चीज़ें हो गई, तीसरा एप्पल ड्राइवर आपको चाहिए इसको डाउनलोड कर लीजिए, DFU ड्राइवर चाहिए इसको डाउनलोड कर लीजिए, ड्राइवर पर्पल मोड इसको आपको डाउनलोड करना है, गेस्टर डाउनलोड करना है, आईपैड के लिए डाउनलोड करना है ये, और ये आपका इंस्टॉलर पे इसको डाउनलोड मत करिएगा, इंस्टॉलर 0.1 का जरूरत नहीं है, जब 0.2 आ गया है तो 0.2 डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा विंडो ये वाला डेस्कटॉप वाला डाउनलोड कर लीजिएगा और ये विन पेंडर इसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे जेडिक्स इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, आपको सिंपल से क्या करना है क्लिक करना है बस। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में,
ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा डाउनलोड सेक्शन। और यहाँ पे मैंने डाउनलोड पूरा तो मिक्स होकर हो गया था, बट हमने क्या किया इसको एक फोल्डर में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको बताने में आसानी रहे। तो ये देखिए पूरा हमने डाउनलोड कर रखा है और पूरी चीज़ों को हमने यहाँ पे एक्सटेंड भी कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ रहा है ये वाला एप्पल USB ड्राइवर, इसको आप क्लिक करोगे, आपने ऑलरेडी USB ड्राइवर आपके पास होगी, एप्पल की नहीं होगी तो आप इंस्टॉल कर लेना गूगल से भी। यहाँ पे USB ड्राइवर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, बट ये चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है आपके कंप्यूटर में कोई एरर ना आए डाउनलोड करते समय। तो ये आपको, अगर आपका USB ड्राइवर इसके अंदर नहीं आ रहा है तो आप इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके छोड़ दो अपने कंप्यूटर में, आप अपना USB ड्राइवर अलग से डाउनलोड कर लो एप्पल का। और इसके अलावा DFU मोड में भी यही है, DSP ड्राइवर भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये रहा ओपन हो गया। और यहाँ पे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे भी देखिए कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी फाइल ऐसी नहीं है जो कि आप इंस्टॉल कर पाओ, तो ये भी किसी आपके यूज़ का नहीं है। यहाँ पे USB पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए कोई चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है। तो ये दो चीज़ें तो बाहर हो गई हैं। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, ड्राइव पर्पल मॉड्यूल, इस पर आपको देखना ध्यान देना है। यहाँ पे आपको इसको भी इंस्टॉल करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये चारों को आपको इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए आएगा, हालांकि ये सारे चीज़ों को हमने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे यस करना है। डबल डबल भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करिए इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल पे करिए अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना है, वैसे इसको भी इंस्टॉल करना है, इसको भी सभी को इंस्टॉल करके आपको रख लेना है। तो इससे क्या होगा कि बाद में जैसे मान लीजिएगा आपको अनलॉकिंग के दौरान कोई एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने तो पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो हम बैक चले जाएंगे एंड यहाँ पे एक सेकेंड ये चीज़ छूट गया, ये देखिए यहाँ पे ये ड्राइवर है 64 बिट, इसको भी डाउनलोड कर लेना आपको यहाँ से, तो यहाँ से इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, तो ये भी ज़रूरी है। और इसके अलावा विंडोज 7 ड्राइवर, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, ये वाला 64 बिट वाला, क्योंकि 64 बिट और आपका सबसे पहली ज़रूरी चीज़ आपका जो विंडो है 64 बिट का होना चाहिए। 64 बिट नहीं होगा तो उसमें दिक्कत कर सकता है, फिर कुछ फंक्शन काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है 64 बिट का होना चाहिए। इसका तो गैस्टर है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, और इसमें तो कुछ भी नहीं है, अब ये कोई दिक्कत नहीं। मेनली इसका ये फाइलें दी हुई है, ये फाइलें आपको आगे अनलॉकिंग के दौरान ये सब फाइलें यूज़ होंगी, अपना टूल यूज़ करेगा इन फाइलों को, तो इसलिए ये दिया हुआ है। तो इसको आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, मतलब इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद यहाँ इसको ओपन करेंगे, ये यहाँ पे कोई फाइल है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस यहाँ पे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके छोड़ दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे एक ये और एक ये दोनों को भी अलग से आपको डाउनलोड कर लेना है, मतलब इंस्टॉल कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। और ये देखिए आपका नेट फ्रेमवर्क है जो कि सेटअप फील्ड आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो डेस्कटॉप रनिंग टाइम्स, ये मतलब हमारा जो वो विंडो फ्रेमवर्क दिखा रहा है उससे हमारा ऊपर का है, तो हमारा काम चल जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये विंडो वगैरह आपको पूरा कंप्लीट, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर में तब जाके आपका जो टूल है ये परफेक्टली वर्क करेगा, परफेक्टली आप इसको चला पाओगे। तो अब हमें ये देखना है कि अभी टूल जब हमारा बहुत जल्द कल या परसों, कल मोस्टली चांस है कि हमारा UMT आ जाए, जैसे UMT आएगा इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, कैसे आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद से कैसे उसको यूज़ करना है कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हो, किसी के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, आप UMC एक्टिवेशन खुद से ले सकते हो। 1000 रुपये का खर्च करना है लगभग अप्रोक्स, और ये परमानेंटली होगा, दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल मतलब कहा जाए कि अगर आप नया UMT लेने की सोच रहे हो तो आपको अभी UMT में पूरा कंप्लीट वर्क करने के लिए 5000 के अप्रोक्स खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरी कंप्लीट UMT मिलेगी, जिसमें आप आईफोन से लेकर के और सारी चीज़ों को एवेंजर वगैरह यूज कर सकते हो। हालांकि अभी एवेंजर टूल हमें यूज़ करने का मिल नहीं रहा है, बट अब मतलब ये एवेंजर का यूज़ ही नहीं होता है, बट अगर कभी बाई चांस भी एक दो काम आ गया तो इसलिए एवेंजर भी आप ले लो, क्योंकि एक साल में आपको 1000 एक्स्ट्रा देना है और एक साल में आपके पास कोई अगर एक दो भी सेट आ गया तो आपका पैसा निकल ही जाता है, तो इसलिए आपको एवेंजर ही रखना है। तो यहाँ पे अब फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम लोग जो ये वीडियो आपको बना के दे रहे हैं काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है इस वीडियो को बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ रही है तब जाके आपको ये वीडियो दे पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ हमें नहीं होती है, हमारे लिए भी ये चीज़ नहीं है, तो हमें समझने में इसको पूरी तरह से जानकारी लेके तब जाके आपको देना पड़ता है, और कई बार कुछ कुछ चीज़ें मिस्टेक भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, हम हमारे तरफ से पूरी 100% कोशिश रहती है कोई मिस्टेक ना हो, पूरी अच्छे से प्रॉपर जानकारी आपको मिले, और इसीलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत रिसर्च करके तब जाके आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि इस पर क्या अपडेट आती है, क्या रहता है, और आगे आपको इसमें बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है एक्टिवेशन वगैरह से रिलेटेड, जो कि कल परसों में आपको मिल जाएगी।
तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।